जैसे कि आप देख रहे हैं आंटी गाजर कद्दूकस कर रही है, यानी कि ग्रेट कर रही है, और मैं नवाबों की तरह खड़े होकर देख रहा हूँ, क्योंकि आज आंटी अपने घर की रेसिपी बनाने वाली है, गाजर का नाश्ता। मतलब गाजर का आप इसको पैनकेक बोल सकते हैं या फिर गाजर का चीला बोल सकते हैं, लेकिन रेसिपी मज़ेदार है। मैं पहले पूरी रेसिपी पूछता हूँ कि आंटी कैसे कैसे बनाते हो आप, उसके बाद में हम फ्लोर पे लाते हैं, ताकि अच्छी होगी तभी तो आपको बताऊँगा। लेकिन जो भी हमारे बड़े होते हैं उनकी सारी रेसिपी मज़ेदारी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने नॉलेज के लिए पूछता हूँ। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, गाजर का चीला यानी कि गाजर का नाश्ता, बढ़िया ब्रेकफास्ट आप बना सकते हैं अपने घर में आसानी से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गाजर को कद्दूकस करना है। हमने लिए हैं 3 गाजर और उसको ऐसे कद्दूकस कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ऐसे कद्दूकस करने के बाद आपने क्या करना है, सॉरी मुझे बताने में मिस्टेक हुई, कद्दूकस करने से पहले आपने 1 कप चावल को भिगा के रखना है, जैसे कि मैंने भिगा के रखे हैं कम से कम 1 घंटा पहले, और इनको छान के आपने एक मिक्सी के चारे में डालना है और बढ़िया से पीस लेना है, बिना कोई चीज़ डाले, हल्का सा पानी डालें बस। इस तरीके से आपने पीस लेना है। आपको लग रहा होगा ये पतला है, लेकिन अभी हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। तो आपने करना क्या है, पीसने के बाद ये जो गाजर हमने ग्रेट करके रखी थी इसमें डाल देना है, ये लो। अब आपने इसमें डालना है 1 आलू उबला हुआ। बताना जरूरी है कि आलू उबला है, कई हमारे फैमिली मेंबर मैसेज करके पूछते हैं कि शेफ आप कंफर्म करो कि आपने आलू उबला लिया है या कच्चा। तो ये है उबला हुआ आलू, आपने इसमें ग्रेट कर लेना है जैसे कि हम कर रहे हैं। आलू ऐसे ग्रेट करने के बाद आपने इसमें डालना है ढेर सारा धनिया इस तरीके से, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक 2 टेबल स्पून ऐसी बारीक कटी, अगर आप ऐसे बारीक नहीं काट सकते हैं तो आप कद्दूकस कर लें, ये मैंने काटी है, आंटी तो कद्दूकस ही कर रही थी, मैं बोला मैं काट देता हूँ। और इसमें आपने डालना है प्याज 1 कप, अजवाइन ये मैं डालूंगा क्योंकि ये मसलती नहीं है, देखिए 1/2 टीस्पून ऐसे मसल के डालना है इस तरीके से, जीरा 1 टीस्पून, नॉन 1 चम्मच नॉन, और ये तो क्या इसका नाम, घेओ 3 टेबल स्पून, और आपने 1/2 टीस्पून डालना है ये बेकिंग पाउडर। आप सोडा भी थोड़ा सा डाल लें या फिर आप इनो डाल सकते हैं, क्यों उससे क्या होता है थोड़ा हल्का होगा, मजा आएगा, जाली पड़ेगी, तो ये जरूर डालना है। ये सारी चीजें डालने के बाद इसको आपने मिक्स करना है, हम और भी चीज़ें डालेंगे लेकिन आंटी अच्छे से मिक्स करेगी, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या डालना है आपने। जब आप इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, आलू मैश हो जाएंगे, तब आपने पानी डालना है और इसको बेटर फॉर्म में बनाना है, ताकि आप मतलब तवे पे अच्छे से डाल सकें, समझे नहीं, जैसे आप चीले का बनाते हैं ना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं, ऐसा लिक्विड फॉर्म में बनाना है ताकि जब आप तवे में डालें तो ऐसे फैले, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और टेस्ट कर लेना है, अगर आपको कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो डाल सकते हैं। ऐसे बना के आपने थोड़ी देर इसको रखना है, उसके बाद इस तरीके से मिलाने के बाद ये देखिए ऐसा आपका बेटर हो जाना चाहिए, देखें ना। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आपका पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने लगाना है थोड़ा सा देसी घी, देसी घी जरूर लगाएं क्योंकि ये पंजाबियों की रेसिपी है और पंजाबी है तो घेव है, ये देखिए ऐसे लगाना है। उसके बाद आपने ऐसे मिक्स करना है जैसे कि आंटी कर रही है, फिर आपने एक लेडल भरना है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे डाल दिया और थोड़ा सा ऐसे पैन को हिला दिया, आपने थोड़ा मोटा बनाना है, गुदगुदा होना चाहिए, एकदम पतला ना कर दे, देखिए बस। अब स्लो गैस में आराम से पकने देना है ताकि ये अच्छे से पक सके, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमारा पैनकेक, चीला या फिर गाजर का नाश्ता, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है,
लेकिन बहुत ही अच्छे से पक रहा है, देख रहे हैं यहाँ साइड में टाइट हो चुका है। तो जब ऐसे ये पकने लगेगा तब आपने करना क्या है, इसके ऊपर देसी घी थोड़ा सा ऐसे लगाना है, देखिए प्यार से। देसी घी क्यों लगाना है आपको समझ आ जाएगा, पहले ऐसे साइड में डालें, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपने एक ऐसा स्पैचुला लेना है, उससे ये देखिए साइड में ऐसे करना है, देख रहे ना, पहले चेक करना है कि भाई पक्का या नहीं, छुट रहा या नहीं, चेक करना जरूरी है। आप जब भी कोई काम करते हैं ऐसे स्पैचुले को घुमा दें चारों तरफ। स्पैचुला ऐसे घुमाने के बाद आपने क्या करना है, इसको और थोड़ी देर अच्छे से पकने देना है, उसके बाद आपने इसको पलटना है। इसके लिए पहले क्या करना है, घी जरूर लगाना है, जैसे कि मैंने आपको घी लगा के दिखाया। अब आपने इसको पलटना है, देख रहे ना, जब ऐसे पूरे में कलर चेंज हो जाएगा तब। और ये बहुत ज़्यादा नरम होता है आलू की वजह से, तो आपने बहुत ही प्यार से पलटना है, ये देखिए ऐसे। और दूर से दिखाता हूँ, ये एक हाथ में ऐसे पकड़ना है, दूसरे में ये देखिए, और दोनों को आपने ऊपर ले जाना है, ये ऐसे देखे ना आप, कलर देखिए, उफ कलर देख के तो मुंह में पानी आ गया है, सच में आ गया है बोलने में। और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, कमाल की है खुशबू, इतनी अच्छी आ रही है आलू की वजह से। जैसे कि आपको पता ही है, जब भी आप आलू फ्राई करते हैं वो भी घी के साथ, तो क्या खुशबू आती है, मतलब बता नहीं सकता। ये सारा कमाल है आंटी का, सच में ये आंटी का कमाल है, क्योंकि ये रेसिपी आंटी की थी, आइडिया मेरा है। पलट मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें मास्टरी है, तो मैंने थोड़ा मोटा बनाया, आंटी ने बोला था पतला बना, लेकिन मैं बोला नहीं मैं मोटा बनाऊंगा, ताकि हम देर तक बढ़िया से गुदगुदा पैनकेक की तरह बनाए। इसके लिए मैंने ये मोटा बनाया, आंटी पतले पतले बनाती थी ताकि वो आसानी से पलट सके। तो कमाल का है, अगर आपको ये रेसिपी अभी तक अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है बताइए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। पहले मैं आपको ये प्लेट में डाल के दिखाता हूँ कितना खूबसूरत हुआ है और खाना किससे है। सर्व करने से पहले, प्लेट में डालने से पहले, इसमें से निकालने से पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, वो ये है, ये देखिए कलर दोनों तरफ ऐसा आना चाहिए, सुंदर कलर देख रहे ना आप। अब ये है पिकअप, ये देखिए क्या चीज बनी है, मजा ही आ गया, देख रहे ना आप, मतलब आप अमेरिकन पैनकेक भूल जाओगे इसके आगे। अब खाना किससे, आपने एक ऐसा बॉल लेना है, इसके अंदर डालना है आपने बढ़िया बना हुआ रायता, क्योंकि जैसे आपको पता ही है पंजाबियों की रेसिपी घर की है, मतलब और भी लोग बनाते होंगे, लेकिन वो मस्त दही से रायते से खाएंगे। अब इस पर आपने डालना है धनिया के पत्ते, जीरा और ये, और आंटी की फेवरेट ये काली मिर्च। बस अब क्या करना है, आपने ऐसे तोड़ा, आहा, और ये देखिए कड़क कड़क करंची है, और ऐसे खाया, आवाज आ रही है, मजा आ गया है। अब मैं ऐसे ही सब बना लेंगे, और आपने क्या करना है मैं बता चुका हूं, भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।